सो नमस्कार एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या शादी होते हुए भी वो मानते हैं कि वो सिंगल हैं, उनमें दूरियाँ बनी हुई हैं, तो जैसे भी हो वो जो अपने आप को सिंगल मानते हैं रीडिंग उनके लिए है। और ये जो है 8 दिसंबर से 15 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्वेरियस हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या महसूस करते हैं, यानी कि उनका जो है एक्वेरियस उनका जो पास्ट है वो कैसा रहा है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि इस सप्ताह उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, फिर देखते हैं रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर उन कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से वो डील कर रहे थे या उनके साथ अटैचमेंट फील करते थे, लव रिलेशनशिप में थे, तो अगर वो वापस आ रहा तो वो एनर्जी कैसी रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले एक्वेरियस के जो आपके पर्सन हैं, जो सॉरी गाइस, जो जो एक्वेरियस हैं वो उनकी ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह यानी कि 8 सितंबर से 15 सितंबर के बीच कैसी रहने वाली है, किस चीज़ पर उनका फोकस रहने वाला है। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो इस सप्ताह जो है आपका जो फोकस है उन चीज़ों पर रहेगा जो आपको एक गुड न्यूज़ गुड मैसेज दे सके, आप मतलब खुशियों पर, जो मतलब जिन दिन लंबे समय से जिन चीज़ों का वेट इंतज़ार हो रहा था तो कहीं ना कहीं वो खुशी आपको मिलती नज़र आ रही है, उस पर आपका फोकस रहने वाला है। कोई ऐसी गुड न्यूज़, ऐसा गुड मैसेज जिसे आप इमोशनली काफ़ी खुश हो सकते हैं, मतलब एकदम से खुशी के मारे उछल पड़ेंगे, ऐसी चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है। ऐसी एनर्जी पर आप काम करने वाले हैं। हो सकता है कि प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए अपने घर परिवार में आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हों या अपने रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हों, तो वो जो है हो सकता है कि वो समय आपका आ गया हो, उस चीज़ के लिए आप फोकस कर रहे हों। तो यूनिवर्स जो भी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं अगर उस पर आप अमल करेंगे, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो जो है आपको काफ़ी खुशी दे सकती है। जो उस उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा जो आपको परेशानियों से दूर रखे और एक नई खुशी, नई ताजगी, नया एहसास आपको दे। तो देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है, रिसेंट पास्ट आपका कैसा बीता है इन दिनों। द हायरोफंट, रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कोई एक मतलब नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी हुई है रिश्ते में, या फिर मतलब कोई ऐसा पर्सन आपका आया है जिसके सलाह मशवरे से उनका रिश्ता बना है, या कोई नई बिगनिंग किसी चीज़ को लेकर हुई है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन भी आप करते नज़र आ रहे हैं इसमें एक, और उस पर्सन के साथ जो रिलीजन है, जो अपने समाज के हैं, अपने समाज मतलब अपने धर्म के हैं, धर्म गुरु टाइप आप इंसान हो सकते हैं, या आने वाला जो इंसान आपकी लाइफ में आया है वो हो सकता है कि वो अपने ओहदे में रहकर, अपने दायरे में रहकर ही लव रिलेशनशिप में जा रहा है, वो किसी दूसरे धर्म से या दूसरे उनसे बातें नहीं करता। तो मतलब बातें करते हैं यानी कि रिश्ते के मामले में वो अपने कास्ट वाइज शादी करना चाह रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आप का आया है, किसी का सलाह मशवरा लेकर आपकी आपको मदद मिली है उस काम के लिए, या फिर आपने किसी उसकी मदद की है जिससे आप जो है इमोशनली काफ़ी खुश हैं, रहे हैं, काफ़ी खुशी आपने उसमें महसूस की है। और धार्मिक गुरु रहे हैं, उनके साथ आपने अपना आत्मिक रिश्ता महसूस किया है, आपने महसूस किया है कि एक जन्म से नहीं, जन्मों से आप उन्हें जानते हैं, जन्म जन्मांतर का आपका उनके साथ रिश्ता रहा है, काफ़ी अटैचमेंट, काफ़ी फीलिंग, काफ़ी लव उनसे जुड़ा हुआ ऐसा आपने फील किया है, ऐसा आपने महसूस किया है। तो
इसको देख लेते हैं, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं आप। चाहते हुए भी मतलब कुछ ऐसी चीज आपको परेशान कर रही है, आपको दुखी कर रही है कि आप चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपने आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं और जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये आपकी खुद की बनाई हुई है, जिनमें आप फंसे हुए हैं। सो चाहकर भी आप उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो उनसे आप, या तो वो आपसे बातें नहीं कर रहा, या फिर आप उनसे बातें नहीं कर रहे, या हो भी रही बातें तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो उन चीज़ों से बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के वाद विवाद करने के, अगर आप थोड़ा सा उनसे बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी आगे धीरे धीरे करके चीज़ें शुरू हो सकती हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, आप काफ़ी परेशान हैं इमोशनली, आप अपने आप को बंधा हुआ, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जहाँ भी, जिस चीज़ में भी आप हार डालते हैं, वहीं आपको परेशानी हो रही है। तो प्रेजेंट आपका इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख लेते हैं कि अगर आपकी इन दिनों कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, अगर जिससे आप पहले डील कर रहे थे या जानते थे या लव रिलेशन में थे, तो क्या वो वापस इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि उनसे आपकी दूरियां बनी हुई हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या कुछ भी हुआ है, तो क्या वो वापस आ रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जी, नहीं, मतलब वो अगर आ भी रहा है तो उसे, उसके साथ फिर से आपका वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इन एंड आउट की पोजीशन रह सकती है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है। ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके उन दोनों के बीच में, हो सकता है या तो पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि कोई पर्सन है जो आप दोनों के बीच में घुसा हुआ है और इस रिश्ते को बर्बाद, खराब कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी आपकी रही है, तो इसलिए अभी ऐसे पर्सन से आपको बचने की ज़रूरत है, या जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे किनारा करना चाह रहा है। अभी आपके पास इस रिश्ते में आने की कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही। जो पुराने जो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो आपकी नील दिखाई दे रही है, यानी कि अभी कोई समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता नहीं आ रहा है, और अगर आ भी जाता है तो वो फिर से वापस जाने वाला है। वही वाद विवाद, वही झगड़ा, वही कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी, ड्रामा, फाइट्स, वही सारी चीज़ें आपकी चल सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उसे किनारा करके रखिए। देखते हैं क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नया पार्टनर, नया पर्सन, नया कोई नए रिश्ते के रूप में कोई सहेली जी। थ्री ऑफ कप्स, कोई जो नए पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी आपकी लाइफ में आ सकती है, और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, या जो है सेलिब्रेशन करना चाहता है, एक छोटी सी पार्टी से वो चाहते हैं कि गेट टुगेदर हो, एक फैमिली, एक परिवार के साथ मिलकर इंजॉय किया जाए। वो उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए परिवार की, फैमिली की, या किसी नॉन पर्सन की मदद के साथ एक छोटी सी पार्टी, एक सेलिब्रेशन, एक खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी पर्सन आ रहा है उसके जो आपके हाव भाव हैं, जो बातें हैं, वो आपसे मैच करती हैं, और उनके साथ आप काफ़ी एक खुशी महसूस कर सकते हैं, काफ़ी चेयरफुल ये रिश्ता आपका रह सकता है। और बहुत जल्दी जो है ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, और धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, चाहे रिश्ता बनने में देरी क्यों ना हो। लेकिन एक गुड न्यूज़, गुड हैप्पीनेस आपको इस रिश्ते को लेकर मिल रही है बहुत जल्दी। शायद हो सकता है कि इसी हफ्ते में ये बातें होनी आपकी शुरू हो जाए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जी, जो आपके लाइफ में जो नया पर्सन आ रहा है उसकी एनर्जी बता रही है कि दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, प्यार है, प्रेम है, और दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। आप
या तो आप या तो फिर आपके पर्सन महसूस करते हैं कि सामने वाला जो भी काम करता है बहुत खूबसूरती से करता है। हर काम को अंजाम देने का तरीका उनका बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए आप या तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में एक दूसरे के आगे बढ़ते हैं तो इतने मतलब ये रिश्ता आपके लिए बहुत खुशी दे सकता है। आप इमोशनली फुलफिल आप खुश रह सकते हैं, इमोशनली अटैचमेंट है आपकी उनकी, जुड़ा हुआ महसूस करेंगे आप उनसे तो काफ़ी खुश रहेंगे। और जो भी परेशानियां दुविधाएं प्रेजेंट में आ रही हैं या फिर फ्यूचर में लंबे पास्ट में लंबे समय पहले आई थी वो सारी ख़त्म होंगी अगर आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत कर लेते हैं और समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अब तक कमेंट्स नहीं किया है तो कमेंट्स करना ज़रूर शुरू कर दें। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।